इसको आप दोबारा देखिए कि रूट कैलकुलेशन जो है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम जिसको हम डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं उसके उससे किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ट रूट। सबसे पहले हम नोड डी के थ्रू ही देखते हैं। तो दो लिस्टें बनते हैं, एक कन्फर्म लिस्ट एक टेंटेटिव लिस्ट है। कन्फर्म लिस्ट में वो लिस्ट है जो कि आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट पाथ है, ये कन्फर्म है कि बस दीज आर द शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन कन्फर्म लिस्ट और एक टेंटेटिव लिस्ट है जो कि टेंटेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जो कि साथ साथ अपडेट होता जाता है। ठीक है, तो टेंटेटिव सबसे पहले कन्फर्म लिस्ट में ये अपने आप को से ही स्टार्ट ले लेता है और फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर वो अपने से अपने तक ही कैलकुलेट कर देता है जो कि डी से अपने तक ही ज़ीरो कास्ट या ज़ीरो और सेकंड जो है इसमें इसका कोई नेक्स्ट हॉप नहीं है, कोई नेक्स्ट नोड नहीं है, तो ये खाली। ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, सेकंड में लिस्ट में जो है सेकंड इटरेशन के अंदर डी अपने साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स जो है उसको टेंटेटिव लिस्ट में डाल लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आवाज सही से नहीं आ रही है, कट रही है आवाज। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तो शायद मैं आपके साथ, तो फर्स्ट देखिए अभी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में। जी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले दो लिस्ट, एक कन्फर्म लिस्ट एक टेंटेटिव लिस्ट है। कन्फर्म लिस्ट में वो लिस्ट है जिसमें आपके पास राउटिंग टेबल जो है उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ के जो रूट्स है वो कन्फर्म हो जाते हैं कि दीज आर द शॉर्टेस्ट रूट। सबसे पहले वो अपने आप से स्टार्ट ले लेता है और अपने से अपने तक ही रूट को कैलकुलेट करता है, वो जो कि डी से डी तक ज़ीरो है और वो नेक्स्ट हॉप नहीं है या नेक्स्ट नोड कोई सक्सेसर या प्रीसीडेसर नोड नहीं है तो उसको खाली छोड़ देता है। सेकंड आइट्रेशन के अंदर वो टेंटेटिव लिस्ट में उन नोड्स को अपडेट कर देता है या उन नोड्स को उनकी एंट्रीज डाल देता है जो उसके इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डी के साथ एक सी डायरेक्टली कनेक्टेड है और डी के साथ बी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सी डी से बी तक या डी से सी तक टू है और इसका जो अगर आप नेक्स्ट नोड ये हैं तो टू है और डी से आगे का नोड क्या है? सी है। फिर बी तक जो है, देखिए बी तक जो कास्ट है वो 11 है और नेक्स्ट एंट्री में वो बी डाल देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर मिनिमम कौन सा है? मिनिमम इसके अंदर जो है ये है। ठीक है, तो ये इस थर्ड आइट्रेशन के अंदर इन दोनों में जो मिनिमम एंट्री उसको यहाँ पे अपडेट कर देता है कि सी मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके थ्रू मैं डिफरेंट नोड्स को अप्रोच कर सकता हूँ। वो जो फर्स्ट दो अपडेट हो जाते हैं उसके अंदर जो मिनिमम नोड है वो उसको अपने साथ ऐड कर देते हैं। थर्ड आइट्रेशन के अंदर ये सी जो मिनिमम है इन दोनों में यहाँ जाएगा, अब इस सी के थ्रू ही अप्रोच करेगा, दोबारा से अपना लिस्ट अपडेट करेगा। अब दोबारा से इसने इसमें ये अपने साथ मिला लिया और इसको यहाँ पे लिख लिया। थर्ड आइट्रेशन के अंदर इसने मिनिमम ये और साथ में ये, अब फोर्थ आइट्रेशन के अंदर ये क्या करेगा? फोर्थ आइट्रेशन के थ्रू सी के थ्रू अप्रोच करेगा बी को और सी के थ्रू अप्रोच करेगा इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ए को। ए पहले अनअप्रोचेबल था, अब सी नोड के आने से बी जो है, अब बी जो है पहले बी किस में था? 11 पे था, क्योंकि वो एक ही पाथ पे 11 कास्ट पे था, क्योंकि यहाँ पे तो हॉप काउंट पे डिसीजन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो तो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर लिया जा रहा था। इसके अंदर जो कास्ट होगी, जो इसके ऊपर लिंक कास्ट होगी वो मिनिमम है, ये बैंडविड्थ भी हो सकता है, ये डिले भी हो सकता है, ये कुछ भी थ्रूपुट भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो अब एक और शॉर्टेस्ट पाथ आ गया इसी पाथ से निकलते हुए इस रूट से जो कि क्या है? 5 है और वो सी के थ्रू है। ठीक है, तो बी तक जो है 5 है और आपके पास जो सी के थ्रू है और ए तक का रास्ता जो पहले ए को अनअप्रोचेबल था, अब ए अप्रोचेबल बन गया सी के थ्रू, वो कितना है? 2/10, तो वो 12 है और वो क्या है? ए तक और उसका जो इंटरमीडिएट नोड है जिसके थ्रू जाना है वो सी है। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा? इन दोनों में ये वाला मिनिमम है, तो अब थर्ड एंट्री के अंदर ये रहेगी और साथ में ये आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सिक्स एट्रेशन के अंदर अब हमारे पास बी भी आ गया है और आपके पास सी भी आ गया, अब बी भी आ गया, तो बी के थ्रू भी हम अब अप्रोच कर सकते किसी और पाथ को।
तो अब अगले इटरेशन के अंदर जो है ये सी और ये तो दोबारा आ गया। अब ए तक जाने का रास्ता, पहले तो ये रास्ता था 12th का, ठीक है। अब ए तक आने का एक ये रास्ता बन गया 2, 3, 5 और ये 5, तो 10। तो ये आपके पास अब ए तक शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। अब दोबारा वो तो अभी तो कोई और रास्ता है नहीं, सो ये हमारे पास कंप्लीट एक लिस्ट बन गई है, जिसके थ्रू आप आपकी कंप्लीट रूट्स अपडेट हो गए। अगर डी से ए तक आपने अप्रोच करना है सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर डी से बी तक अप्रोच करना है तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट। अगर डी से सी तक अप्रोच करना है सो दिस वन इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेसिकली इसी के बेस के ऊपर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट होता है यूजिंग लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, जिसको हम डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ये इस एग्जाम्पल की समझ आ गई, जी सर। ठीक है। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास कोई नेट से मैंने एक सर्च किया था, मेरे पास कोई और एग्जाम्पल हो जो कि थोड़ा सा बेहतर हो उसको मैं बता देता हूँ। तो नेट पे लेट मी चेक, फिर इसको मैं शेयर भी कर लूँगा। मुझे कोई एग्जाम्पल अच्छा, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है यूजिंग लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। ये स्क्रीन नज़र आ रहा है सना अनीस, स्क्रीन नज़र जी आ रहा सर, है, आ ठीक रही है। है। ये मेरे पास प्रॉब्लम है थोड़ा सा कंपेरेटिवली, इसमें नोट्स भी ज़्यादा है और लिंक्स भी आपके पास, कॉस्ट भी इसमें गिवन है। तो हमने ए से राउटिंग टेबल को स्टार्ट करना है, हमने अप्रोच करना है। तो इन्होंने, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी मैंने इसी मेथड से ही कराया था, ये मेथड थोड़ा सा आसान भी है और इसके थ्रू आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ए से स्टार्ट लेना है और ए से ही आपने इसको राउटिंग टेबल को ओरिजिनेट करना है, तो ए से बी तक सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एन एन के अंदर ये लिखे जो नंबर आप, जो आपके पास कंफर्म लिस्ट है, ये आपके पास एन जो है बेसिकली इसके नीचे जितने रूट्स आ रहे हैं वो कंफर्म लिस्ट है, और ये जो डी 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 ये टेंटेटिव लिस्ट है, इसको आप टेंटेटिव लिस्ट में, और ये स्टेप्स जो है नंबर ऑफ इटरेशन है। फर्स्ट इटरेशन के अंदर ए से बी तक का कास्ट कितना है, 2 है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए से सी भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो ए से सी तक कितना है, 5 है। और ये देखिए ये क्या है, डी बी डिस्टेंस टू बी, और पी बी का मतलब प्रीसीडिसर नोड। प्रीसीडिसर का अब यहाँ पे ये मतलब है कि उससे प्रीवियस नोड कौन सा था, ठीक है। तो देखिए बी का प्रीवियस नोड ए था, तो इसलिए हमने ए लिखा है, 2A। अच्छा, डी से डी का प्रीसीडिसर नोड कौन सा था, तो डी का प्रीसीडिसर नोड भी आपके पास ए ही है, डी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो डी से सी तक, सी का प्रीसीडिसर नोड भी ए ही है। तो देखिए इसी लिस्ट के अंदर सबसे पहले अगर इसको हम अपडेट करेंगे तो ए से बी तक 2 है, 2A, डी बी की जगह हम 2 लिख देंगे, पी बी की जगह हम ए लिख देंगे। फिर डी सी, ए से सी तक कास्ट क्या है, 5 है, सो 5, और प्रीसीडर नोड सी का क्या है, ए, तो 5A। फिर डी डी से ए से डी तक, सो ए से डी तक क्या है, लिंक की जो कास्ट है वो 1 है, और डी का प्रीसीडिसर नोड कौन सा है, ए है, तो 1A। अच्छा, फिर ई ई आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उसमें इन्फिनिटी आ जाएगा, एफ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, वो नोड्स आएंगे जो कि आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अब ये फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर ए तो कन्फर्म है, ए तो आएगा, लेकिन इसके अंदर मिनिमम कास्ट किसकी है, तो डी की है, ठीक है। इसमें देखिए 2A है, 5A है, 1A है, तो अब ये 1A ए कामा जिसके एक ए के साथ क्या आ जाएगा, ए नोड के साथ ये 1A आ जाएगा जो डी आपके पास है, बेसिकली ए के साथ अब डी नोड आ जाएगा, ठीक
ठीक है, तो सेकंड आइट्रेशन के अंदर ये कम था, ये नोट तो इसके साथ डी आ गया। अब डी के आने के बाद, ठीक है, अगर डी आ जाए तो अब डी के थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हैं। पहले ई अनअप्रोचेबल था, लेकिन अब ए के साथ डी भी काम कर रहा है, तो इट मींस के डी के साथ सी भी डायरेक्टली अब कनेक्टेड है और डी के साथ ई भी, तो अब हम ई को भी अप्रोच कर सकते हैं और सी जो पहले भी अप्रोच कर सकते थे, अब हमारे पास एक और शॉर्टेस्ट पाथ है जिसके थ्रू हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब दोबारा से राउटिंग टेबल स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान है, इसमें कोई सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अभी भी डी के आने के बाद भी बी तक तो रास्ता, ठीक है, अभी भी बी तक टू है, अभी भी डी तक वन ही मिनिमम पाथ है, लेकिन ए से सी तक अब जो है, पहले फाइव ए था, अब जो है ये वाला रास्ता आ गया वन और ये क्या है थ्री, तो अब ये फोर हो जाएगा। तो अब सी तक जो है, सी तक देखिए फोर, और डी क्यों लिखा है हमने, डी इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे क्योंकि इसका प्रीसीडेसर नोड सी का क्या है, डी है, क्योंकि ए डी के थ्रू ही अप्रोच कर रहा है सी को। तो ये फोर ए अप्रोच हो, अब फोर ए आ गया। अब ई भी है, ई किस, ई का क्या है कास्ट वन वन, तो क्या बन जाएगा टू डी। सो ए से ई तक क्या है टू डी, तो देखें ई से ई तक क्या है टू डी। अच्छा, जो जो ये यहाँ पे आ जाते हैं उसको आप दोबारा खाली छोड़ेंगे। तो अब इन टू ए फोर डी टू डी, इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम टू ए भी मिनिमम है और टू डी भी मिनिमम है। अगर दो आपके पास आ जाए तो इस फिर आपकी आपकी अपनी चॉइस है कि कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में बी ही सेलेक्ट किया होगा, इन्होंने ई ही सेलेक्ट किया है, तो हम ई को ही सेलेक्ट कर देते हैं। शायद ई के थ्रू हमारे पास और ज़्यादा राउटर्स को हम या और ज़्यादा रास्तों को या पाथ्स को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ए डी और इसके साथ अब जो कनेक्टेड राउटर है वो ई आ गया, ए डी ई, तो नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर ई भी आ गया। अभी भी टू ए हैं और सी तक जो है पहले फोर डी था, लेकिन ई आने के बाद सी तक एक और रास्ता हमारे पास, एक और शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। पहले ये डी तक वन, फिर ई तक वन, और ये क्या है थ्री सी थ्री ई। तो अब ए से सी तक आने के लिए जो आपके पास शॉर्टेस्ट रूट है वो क्या है थ्री ई, तो ये इसके अंदर थ्री ई आ जाए। पहले आपके पास एफ जो है अप्रोचेबल नहीं था, एफ जो है ई के आने के बाद एफ का जो शॉर्टेस्ट रूट बन रहा है वो वन टू थ्री फोर एफ तक, और एफ तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रीसीडेसर नोड है ई है, सो क्या बन जाएगा फोर ई, तो ये क्या है फोर ई है। अब टू ए थ्री ई और फोर ए में शॉर्टेस्ट कौन सा है टू ए है, तो अब ए डी ई के साथ अब और जो राउटर ऐड होगा या नोड ऐड होगा वो बी है, तो अगले ऑपरेशन के अंदर ए डी ई बी बन जाएगा। तो अभी भी आपके पास अगर आप देख रहे, अब बी को यूज़ करते हुए अभी भी आपके पास थ्री ई और फोर ई है, इन दोनों में शॉर्टेस्ट कौन सा है सी है, तो अब ए डी ई बी के साथ अब सी जो है नोट आ जाएगा, और सी के आने के बाद भी एफ तक जाने का जो शॉर्टेस्ट रूट है दैट इज फोर ई, सो फोर ई इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो ये आपके पास रूट बन रहा है ए डी ई बी सी एफ, तो ए से एफ तक जाने का ये रास्ता है, और शॉर्टेस्ट रूट जो है उसकी कास्ट फोर है, और उसका प्रीसीडेसर नोड जिस नोड के थ्रू आप अप्रोच कर रहे हो वो ई है। तो मेरे ख्याल में इस एग्जांपल के बाद अब आपके पास कोई भी इस तरह का एग्जांपल आ जाए और उसमें आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन नोड गिवन हो, सो यू कैन इजीली फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट यूजिंग लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, जिसको हम डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, या ठीक है, इन ये दोनों एक ही चीज़ है जो कि बेसिकली बेस करती हैं रिलायबल फ्लडिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसमें कोई इशू है, समझ आ गया ये? जी सर, जी जी सर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम देखते हैं कि हम शायद एक और, मेरे इरादा है कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखें जिसमें थोड़े से हम अपने कोर्स को स्पीड अप करें, थोड़ा सा स्लो पेस के साथ अभी तक हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ देखें, कुछ कुछ एक 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 दो क्वेश्चन में एक दो
मैं रखना चाहता हूँ क्लासेस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिमुलेशंस वगैरह भी साथ में, कुछ नोट्स के हम करें, तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। तो मेरे ख्याल में टाइम तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिन में तो मेरी इतनी ज़्यादा क्लासेस हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। तो मेरे ख्याल में इस टाइम में कोई कोई मसला तो नहीं है, इसी टाइम पे अगर हम 10 बजे ही क्लास लें। नहीं सर, मुझे तो क्वेश्चन ही है, बाकी वनी सर और बाकी आलमजीब ठीक है, सर। हम वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो जी इंशाल्लाह चलती जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा टाइम अगर पहले 9 बजे तक हो जाए तो, 9 बजे हाँ ना, क्योंकि 10 बजे के बाद सही नेट भी नहीं सही चलता है फिर। आपको नींद भी आती होगी शायद। हाँ सर ऐसा ही है, आपको ठीक पता है है, अब ना, 9 बजे तो ड्रामा खत्म हो जाते हैं अर्तुगरुल, वो मैं देखता हूँ ना, तो तो ड्रामे के बाद लास्ट कर दिन लेते मेरे हैं लिए सर। हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स होता हूँ उसके बाद। चलो देखते हैं, सही है, ठीक है, फिर डिसाइड करते हैं इंशाल्लाह 9:30 तक आवाज करेंगे। करते हैं ठीक है, सर। ओके, चलिए ठीक है सर, ओके चल हाफिज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ तो यकीन माने, मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वैसे भी ये जो है क्या कहते हैं, शायद आपकी तरफ नेट का इशू है, मेरे साइड पे नेट बेटर है, लेकिन फिर भी मैं अपलोड करूँगा, उसमें एक वॉइस तो बड़ी क्लियर आती है रिकॉर्डिंग के अंदर, तो शायद आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।